हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वस्तु स्थायित्व के बारे में। तो वस्तु स्थायित्व जो हम लोग शब्द सुनते हैं कि वस्तु स्थायित्व, ये कुछ नहीं है, मूर्त से अमूर्त अवस्था की ओर किसी भी चीज़ का हमारे मस्तिष्क में एक संज्ञान है। कहें तो कोई भी चीज़ सामने है उसकी मेमोरी हमारे माइंड में बन जाती है और उस मेमोरी के थ्रू हम उसको वापस अर्जित कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वस्तु स्थायित्व। जैसे हमने देखा है कि कोई बच्चा कोई खिलौने से खेलता है, अब वही खिलौना हम लोग कहीं रख देते हैं तो बच्चा दूसरे दिन उसी खिलौने के लिए जिद करता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको उसी स्थान से उठा के दे देते हैं। मतलब एक चीज़ देखिए, बच्चे के अंदर उस खिलौने के प्रति जिद है कि मुझे वही खिलौना चाहिए, तो उसको उस खिलौने की मतलब उस वस्तु की उसके मस्तिष्क में एक क्या है, एक स्थायित्व आ गया, एक अमूर्त अवस्था, एक मेमोरी बन गई। और कहें तो हमारे अंदर भी हमें ध्यान रहा कि हमने यार वहाँ रख दिया था तो हमने उसको उठा के वहाँ से दे दिया। तो ऐसी क्रिया को हम बोलते हैं वस्तु स्थायित्व, जो कि मानव के मस्तिष्क में आ जाती है। और हम लोग आपको बताएं कि ये बच्चों में 0 से 2 वर्ष के बीच में आना आरंभ हो जाती है और 2 वर्ष पश्चात ये सब लोगों में मतलब कहें तो हर एक बच्चे में प्रदर्शित करना आरंभ हो जाती है। मतलब बच्चा 2 वर्ष के पश्चात उसे दिखाना शुरू कर देता है। धन्यवाद।